सभी एएचडी सेकेंड ईयर वालों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत हम दो ही साल्टों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है आपका कैल्शियम और दूसरा है मैग्नीशियम। तो क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत कैल्शियम और मैग्नीशियम के अंतर्गत आने वाले अन्य साल्ट भी हैं, उनका उपयोग व पहचान क्या होती है, उन सभी का आज अध्ययन करेंगे हम। तो कैल्शियम साल्ट का उपयोग जनरल ही 3-4 उपयोग तो बहुत ही जानना जरूरी है, जैसे हड्डी निर्माण और दुग्ध उत्पादन और रक्त का थक्का बनाने में सहायक। यानी लगभग आपके 4-5 पॉइंट तो ऐसे हैं जो आपके जनरल ही कैल्शियम साल्ट के अंतर्गत उपयोग में लिए जाते हैं। और इनका पहचान मुख्य रूप से कैल्शियम साल्ट का जो पहचान होता है ज़्यादातर सफ़ेद कलर होता है और दानेदार कड़वा नमकीन पाउडर के रूप में होता है। तो यही आपके इस लेसन के अंतर्गत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो अब हम पढ़ेंगे कैल्शियम साल्ट, यानी कैल्शियम साल्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कैल्शियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र है CaCl2। अब इसको हम पहचानेंगे कि ये किस तरह का होता है। कैल्शियम क्लोराइड एक सफ़ेद दानेदार नमकीन कड़वा पाउडर होता है। कैसा होता है? एक सफ़ेद दानेदार नमकीन कड़वा पाउडर होता है। और इसका उपयोग पशु चिकित्सा क्षेत्र में निम्न तरह किया जाता है। इसका उपयोग एसाइटिस रोगों में यानी डायूरेटिक के रूप में कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग एसिडिफायर ऑफ यूरिन बनाने में भी किया जाता है। यानी इसका कोई ज़्यादातर पशु चिकित्सा क्षेत्र में इतना उपयोग नहीं है। अगला है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट को पहचानेंगे हम। यह एक रंगहीन गंधहीन स्वादहीन होता है जो साधारणतः 10% सॉल्यूशन IV लगाने के काम आता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो इसका उपयोग जनरली आप लिख सकते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट का कि दुग्ध उत्पादन में और रक्त का थक्का बनाने में। और इसका कैल्शियम ग्लूकोनेट का उपयोग वेरी इम्पोर्टेंट है कैटल बफेलो आदि में मिल्क फीवर रोग में, और कुतिया में एक्लेम्पेशिया नामक रोग हो जाने पर कैल्शियम ग्लूकोनेट को IV के रूप में लगाते हैं। अगला है कैल्शियम साल्ट के अंतर्गत CBG। तो CBG की फुल फॉर्म है कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट। यह एक रंगहीन स्वादहीन तरल पदार्थ होता है जिसे निम्न प्रकार बनाया जाता है। यानी इसके अंतर्गत कैल्शियम ग्लूकोनेट 83 ग्राम होता है तथा बोरिक एसिड 17 ग्राम होता है और कुछ मात्रा में पानी भी होता है। पशु चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग निम्न तरह किया जाता है, जैसे कैटल बफेलो में 300 से 600 ml के आसपास IV के रूप में कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट की बोतल चढ़ाते हैं, जिससे पशु को मिल्क फीवर जैसे रोगों में सहायता मिलती है। यानी मिल्क फीवर रोग हो जाता है उससे दूर होने के लिए 350 या 300 से 600 ml IV लगाते हैं। और कुतिया में एक्लेम्पेशिया नामक
रोग हो जाने पर कैल्शियम बोरोग्लुकोनेट की 25 ml IV लगाते हैं और इसका उपयोग अन्य भी हैं जैसे कैल्शियम बोरोग्लुकोनेट से प्रोडक्शन या उत्पादन में भी सहायता मिलती है। CBG यानी कैल्शियम बोरोग्लुकोनेट मार्केट में कार्बोकोल आदि के नाम से मिलती है जिसको हम सर्दियों के टाइम में हल्का गर्म करके उपयोग करते हैं। अगला है आपका कैल्शियम के अंतर्गत साल्ट कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लुकोनेट यानी CMB कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लुकोनेट। यह भी एक तरल रूप में होता है और पशु चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी रूप में काम आता है जैसे मिल्क फीवर रोग में भेड़ों में लैम्बिक डिजीज होने पर कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लुकोनेट का उपयोग किया जाता है जिससे क्या है कैल्शियम और मैग्नीशियम का अनुपात बराबर आ जाता है और विभिन्न रोगों से राहत मिलती है। और इसकी बनाने की जो विधि है उसके अंतर्गत कैल्शियम ग्लूकोनेट मोनोहाइड्रेट 17.98 ग्राम और डेक्सटोज 16 ग्राम तथा बोरिक एसिड 1.8 ग्राम मैग्नीशियम हाइपोसल्फेट 627 ग्राम 627 ग्राम डिस्टिल वाटर 100 ml से मिलाकर कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लुकोनेट का संतृप्त घोल तैयार किया जाता है। अगला है आपका कैल्शियम लैक्टेट। यह एक हल्का सफ़ेद गंधहीन पाउडर होता है जो गर्म पानी में अत्यंत घुलनशील होता है। इसका उपयोग भी पशु चिकित्सा क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है। कैल्शियम लैक्टेट का मतलब है मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी लाना और इसका उपयोग मिल्क फीवर रोग कुतिया में एक्लेम्पेशिया तथा भेड़ों में लैम्बिंग डिजीज में इसका उपयोग करते हैं। कैल्शियम लैक्टेट प्रोडक्शन का कार्य भी करता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आपका यह टॉपिक है और हड्डी निर्माण में भी कैल्शियम लैक्टेट का उपयोग किया जाता है तथा कई बार पशु बाहरी धातु जैसे मर्करी लेड आर्सेनिक आदि की विषाक्तता हो जाती है तो कैल्शियम लैक्टेट मुंह द्वारा पशु को पिलाया जाता है और इसका उपयोग एपेटैक्सिस यानी जब पशु के नक्सी यानी नथुनों के माध्यम से ब्लड आता है तो उसको रोकने में कैल्शियम लैक्टेट सहायता करता है। अगला है आपका कैल्शियम के अंतर्गत साल्ट कीटा प्रिपेटा जिसको हम चौक व खड़िया के नाम से भी जानते हैं जिसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। यह एक हल्का स्लेटी गंधहीन स्वादहीन पाउडर होता है जो पानी में अघुलनशील होता है। पशु चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग निम्न तरह किया जाता है जैसे एंटीसेप्टिक तथा डेसिकेंट के रूप में यानी कई बार पशु के खाज खुजले तथा बाहरी सतह पर घाव हो जाते हैं उनको सुखाने के लिए कीटा प्रिपेटा का उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग पशु के डायरिया या डिसेंट्री यानी डायरिया जो पशु के दस्त हो जाते हैं और डिसेंट्री यानी खूनी दस्त हो जाते हैं उनको रोकने के लिए हम कीटा प्रिपेटा का उपयोग करते हैं और इसका उपयोग ऑक्जैलिक एसिड तथा
लवणीय अम्ल की विषाक्तता हो जाने पर भी हम इसका उपयोग करते हैं। अगला है आपका टॉपिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह भी कैल्शियम का ही साल्ट होता है जिसका रासायनिक सूत्र है CaOH2। यह एक कोमल क्षारीय हल्का कड़वा पाउडर होता है जिसे CaOH2 को स्लेक्ड लाइम या कली चूना भी कहते हैं, यानी स्क्रेट लाइम या कली चूना भी कहते हैं। इसके अंतर्गत एक नोट के माध्यम से भी समझाया गया कि 10 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 100 ml डिस्टिल वाटर में डालकर छानने के बाद जो स्वच्छ द्रव प्राप्त होता है उसे लाइन वाटर के नाम से जाना जाता है। अब है इसका उपयोग, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पशु के मुंह के छालों को ठीक करने के लिए लाइन वाटर के रूप में काम लेते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मकानों में कली करने के लिए काम लेते हैं, तथा कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए हम इसका छिड़काव भी करते हैं, और कुत्तों में हाइपर एसिडिटी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एनीमा लगाने के लिए भी लाइन वाटर के रूप में काम लेते हैं। अगला है आपका लास्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये है आपके 10वीं 12वीं कक्षाओं में भी आपको मिला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक सूत्र कई बार एग्जामों में पूछ लिया गया है, जिसका सूत्र है CaSO4 1/2 H2O है। यह कैल्शियम साल्ट कैल्शियम सल्फेट है। इसे सैमसम ऑफ कैल्शियम भी कहते हैं, इसी कारण इसे गैप्सोना प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, और इसका उपयोग पशु चिकित्सा क्षेत्र में निम्न तरह किया जाता है, यानी जैसे मुख्य रूप से इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में हड्डी के टूट जाने पर अर्थात फ्रैक्चर हो जाने पर हड्डी के टुकड़ों को जोड़ने के लिए अथवा एक स्थान पर रखने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, ताकि हड्डी आसानी से जुड़ सके। यही इसका मुख्य उपयोग है। तो आज इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम सल्फेटों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए धन्यवाद। आपको किसी टॉपिक में समस्या है या किसी पॉइंट में समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।